के टेरेंस के पास जाएं, और अभी भी वो कल मुझसे आके कह रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ वहां पे, और आपकी याद तो आती है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं समझ गई कि भैया मैं यही कहूंगा कि एक माँ का जो रिश्ता है वो चाहे किधर भी जाए, बेटा या बेटी, वो कभी नहीं कभी नहीं टूटती। टूट सकता। या मैम, मास्टर नेमो, कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा था कि एक माँ का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, लेकिन एक माँ से जो सीखा है वो तो ठीक तरह से कर थैंक लिया यू होता। रेमो। बट जो आपने टैलेंट से सीखा बहुत अच्छा किया, एनर्जी इसमें बहुत अच्छा लग रहा था आपका। एंड मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हो सकता है जब आप नीचे गिरे, वो बहुत ही ग्रेसफुल हो सकता था, वहाँ पे मेरे ख्याल से आप चूक गई। बट अब तक का जितना भी परफॉर्मेंस आपने किया, आई वुड से ये उससे कहीं ऊपर था। वेरी गुड थैंक यू। मास्टर ट्वेंस, आप रेडी है शायद अपनी लिस्ट के साथ? मैं यही कहूंगा कि थैंक यू वेरी मच मंदाकिनी, आपने बहुत ही खूबसूरती से ये डांस को निभाया और किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मिथुन सर से कि ये जो लड़की है वो इतना, शी लव्स डांस, शी लव्स डांस, मतलब आई आइडेंटिफाई विथ हर, और उसमें इतनी मेहनत और लगन है। आई मीन ये एक सच्चे टैलेंट टैलेंट की पहचान है। एंड आई एम रियली रियली प्राउड एंड हैप्पी ऑफ हाउ यू परफॉर्म टूडे। मैं चाहूंगा कि सभी दर्शक, नॉट जस्ट भुवनेश्वर, नॉट जस्ट उड़ीसा, कि सही ये टैलेंट जो शो है इमोशंस पे ना जाए, बट एक अच्छा टैलेंट को चुने और उसी को बढ़ाए। एंड मंदाकिनी, यू हैव द टैलेंट। या थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेल मंदाकिनी, आई होप कि आप बेहतरीन 12 में जरूर आए। थैंक यू सो मच। और अगली परफॉर्मेंस में रॉक करने आ रही है एक खूबसूरत गर्ल जिसके रोमांटिक अंदाज ने कल शाम को स्टेज पर धूम मचाई थी। प्लीज वेलकम फ्रॉम टेरेंस की टोली बैंगलोर से तन्वी चावड़ा। मुंबई ऑडिशंस में मैं सलमान की पार्टनर थी और हमने सालसा किया था और तीनों जजेस को बहुत अच्छा लगा था। अब सारी दुनिया सलमान को पहचानती है और मुझे सिर्फ सलमान की पार्टनर ऐसे पहचाना जाता है। आई वॉन्ट टू चेंज दैट। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि तन्वी भी एक इंडिविजुअल डांसर है और वो भी कुछ कर सकती है। सो वॉच आउट कंटेस्टेंट्स, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ। तन्वी, मैं सदके जावा, अब बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो जल्दी से हम अपने कमेंट्स बटोर लेते हैं। रेमो, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? तन्वी,
फर्स्ट थिंग जो ओपनिंग था आपका कपड़े का, जो टेलन जी कपड़े का, मैं सोच रहा था कि कभी कपड़ा ऐसा आएगा एंड देन करके निकलेगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड देन आप उतर के आए नीचे, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस में पहले आप जो लेट के किक वॉज नॉट शार्प इनफ, स्ट्रेट नहीं हो पाया, आपने फट से नीचे ले लिया. एंड देन दो तीन जगह पे जहाँ पे आपको यू हैड टू गो फुल ऑन, सच के जावा इट्स रॉकिंग यू नीड टू गो फुल ऑन, वहाँ पे आप थोड़े से कम हो गए, बट ओवरऑल आई एंजॉयड इट, रियली नाइस. गीता अब क्यों मुंह छुपा रहे हो? मुझे एक्चुअली शी इज गॉट सच अ स्वीट फेस कि कुछ भी अगर मैं फ्लॉज के बताना भी चाहूँ मुझे बहुत झिझक होती है, लेकिन दैट्स द रूल ऑफ द शो. एक किक किया आपने, ओके, उसमें लेग आपका नीज वर बेंट, और आपने एक जगह जब आप पैर ऊपर लेते हो आपने वो स्टेप कंप्लीट नहीं किया, आप एक दो और फिर रुक गए, राइट? तो दैट्स वन इशू, एनर्जी लेवल कम होते गई, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, यू नीड टू वर्क ऑन दैट. सो वर्क ऑन इट, ये आपका मौका है, और आप आई एम होपिंग कि जनता आपको ये और एक चांस देगी कि आप रहे हमारे साथ. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक डार्लिंग. चरण्स, तन्वी, जैसे रेमो और गीता मैम ने कहा वो सच है, आपको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बट योर परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड. ये बड़ी बात है कि आप हमारे 18 में से नहीं थी, तो आपको इतने वीक्स की ट्रेनिंग नहीं मिली है जहाँ पर हमारे अदर कंटेस्टेंट्स को मिला है. ट्रेनिंग की वजह से आपको थोड़ी खामियां नज़र आ रही हैं. आई अश्योर द ऑडियंस कि अगर उसको सिलेक्ट करेंगे आप, तो आई अश्योर यू मेरी ट्रेनिंग के अंडर अगर वो होगी तो वो बहुत ही अच्छी और होनहार डांसर बनेगी, और यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन. सो ऑल द बेस्ट तन्वी. थैंक यू. मिथुनदा, तन्वी को आप क्या कहेंगे? यू हैड अ वेरी चार्मिंग प्रेजेंस ऑन स्टेज, वेरी वेरी चार्मिंग, खूबसूरत स्माइल, आंखें, और हम भी देखना चाहते हैं यार ये चेहरा रह जाए. मैं इतना कहूंगा जरूर, मैंने आपको दोबारा वॉइल कट के जरिए लेके आया हूं, तो जरूर आप में कोई बात तो होगी, और मुझे यकीन है कि आप इसको सही साबित करके दिखाएंगे. आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट. थैंक यू मिथुन जी. मैं चार्मिंग डांसर भी जरूर बनूंगी, चार्मिंग फेस के साथ मैं चार्मिंग डांसर भी बनूंगी. ये बात हुई ना. थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच. Thank you very much. You can go backstage. All the best. मास्टर्स के द्वारा सेलेक्ट किए गए सभी 6 कंटेस्टेंट्स अपने शानदार परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, लेकिन अभी एक और कंटेस्टेंट की दावेदारी बाकी है जिसे सेलेक्ट करेंगे हमारे ग्रैंड मास्टर. वो कंटेस्टेंट कौन होगा जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज, स्वाद डांस इंडिया डांस. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो 6 कंटेस्टेंट्स को जिन्हें हमारे मास्टर्स ने सिलेक्ट नहीं किया था सेकेंड राउंड में अपना सोलो परफॉर्मेंस देने के लिए, प्लीज मंच पर आ जाइए. ग्रैंड मास्टर से पूछना चाहूंगा कि आखिर कौन है वो 7वां वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जिसे आप मौका देंगे सेकंड राउंड में जाने के लिए. प्लीज कौन है जिसे आज ग्रैंड मास्टर ने सिलेक्ट किया है?